अब दोस्तों अगर पेट्रोल और डीजल जीएसटी के अंडर में आ गया तो जो डीजल की कॉस्ट होगी वो बचेगी 48 रुपये पर लीटर और पेट्रोल की कीमत बचेगी मात्र 50 रुपये पर लीटर। लेकिन ऐसा इसलिए पॉसिबल नहीं है कि किसी भी अर्थव्यवस्था में दो प्रकार के टैक्स होते हैं, एक होता है डायरेक्ट टैक्स और एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जो हम हमारी आय पे करते हैं, जैसे इनकम टैक्स, और इनडायरेक्ट टैक्स वो होता है जैसे हम कोई चाय की पत्ती खरीदते हैं तो उसमें लिखा रहता है इंक्लूसिव ऑफ ऑल द टैक्सेस, यानी जो अगर हमने 80 रुपये पे किए तो उसमें ऑलरेडी कुछ हम 7-8 रुपये टैक्स के रूप में पे कर देते हैं। तो ये जो इनडायरेक्टली टैक्स पे करते हैं इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। तो जिन भी देशों में डायरेक्ट टैक्स ज़्यादा होता है यानी इनकम टैक्स पेयर्स ज़्यादा होते हैं तो पेट्रोल डीजल और इन सब चीज़ों पर टैक्स का जो रेट है वो कम होता है, और जिन देशों में डायरेक्ट टैक्स कम होता है तो पेट्रोल और डीजल पे एक काफ़ी अच्छा खासा टैक्स पे किया जाता है। अब जैसे भारत में 1 या 1.5% लोग इनकम टैक्स पे करते हैं, तो जो भी भारत सरकार का बजटरी एलोकेशन होता है उसके लिए उन्हें पेट्रोल और डीजल पे काफ़ी एक हैवी अमाउंट ऑफ टैक्सेशन करना पड़ता है, क्योंकि पेट्रोल और डीजल एक डेली नीड की चीज़ है जिस वजह से सरकार का जो राजकोष है उसमें काफ़ी कॉन्ट्रीब्यूशन होता है, और सारी जितनी भी बजट जब निकलता है जितनी भी पॉलिसीज होती हैं वो इसी के द्वारा चलता है। अब दोस्तों क्या होता है कि जो पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस हैं वो किसी भी अर्थव्यवस्था में इसलिए ज़रूरी होते हैं क्योंकि किसी भी अर्थव्यवस्था का जो सबसे मजबूत ढांचा होता है वो है ट्रांसपोर्टेशन, क्योंकि उसी से जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज हैं सबका ट्रांसफ़र होता है। तो अगर पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस में कुछ भी चेंज आता है तो आपने देखा होगा कि महंगाई है या कोई भी चीज़ है उस पर एकदम डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है। तो इसलिए जो पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस हैं ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मुद्दा होता है जो कि सरकारों को बहुत अच्छे से हैंडल करना होता है। इसलिए आपने देखा होगा जब चुनाव आते हैं तो एक सडनली एक कम हो जाते हैं जिससे वोट वगैरह अच्छे मिल जाएं और ये सब चीज़ें, तो ये सारी स्ट्रेटजी मेकिंग होती है जिससे गवर्नमेंट पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस पे एक चेंज कर सकती है।